अयोध्या का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में है। वजह है श्री श्री जो लगातार बातचीत के जरिए एक मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्हें मुलाकात भी थी। सर रविशंकर जी ने आपसे मुलाकात की, आपको लगता है कि इस बातचीत के जरिए कोई हल निकल पाएगा? क्योंकि वो कह कुछ पक्षकारों से बात कर रहे हैं, तमाम पक्षकार उनको स्वीकार तक नहीं कर रहे, अयोध्या के महंतों तक ने उनको मना कर दिया कि वो इस मध्यस्थता को लेकर बहुत ज़्यादा आशान्वित नहीं है। देखिए श्री श्री रविशंकर जी यहाँ पर आए थे, उनकी मुलाकात एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी। चूँकि हम पहले से परिचित हैं इसलिए लखनऊ में उनका आगमन और उसके बाद यहाँ मिलने का कार्यक्रम मांगा गया था, उसी आधार पर उनका मिलने के लिए आना हुआ। जहाँ तक राम जन्मभूमि मामले से संबंधित विवाद से संबंधित किसी मुद्दे पर चर्चा करने की है, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। माननीय उच्चतम न्यायालय 5 दिसंबर से इसमें सुनवाई करने जा रहा है। इस पर अब बातचीत के औचित्य को हर व्यक्ति स्वयं समझ सकता है। फिर भी अगर कोई पहल कर रहा है तो मुझे लगता है कि संवाद किसी भी संघर्ष का समाधान हो सकता है, बशर्ते उससे सौहार्द की स्थापना हो जाए। लेकिन आज के समय में जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा हो और 5 दिसंबर से सुनवाई हो रही हो, तो स्वाभाविक रूप से ढेर सारे प्रश्न खड़े होते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कई पार्टी नहीं है। मैंने अयोध्या के अपने पहले दौरे पर ही इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि अगर दोनों तीनों पक्ष किसी एक निष्कर्ष पर पहुंच करके सरकार के पास आते हैं तो सरकार उस मामले में किसी भी प्रकार के सहयोग के लिए फिर विचार करेगी। सामान्यतः सरकार पार्टी नहीं है और उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का हम इंतजार करना चाहिए। योगी जी पद्मावती फिल्म को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है, आपने भी एक पत्र लिखा है सरकार ने, क्या आप चाहते हैं कि वो फिल्म रिलीज हो उत्तर प्रदेश में या नहीं रिलीज हो? देखिए किसी भी व्यक्ति को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की छूट नहीं दी जा सकती है, और खासतौर पर तब जब वह जनभावनाओं को आहत करने वाला हो। संबंधित फिल्म के रिलीज होने का जो समय है वह प्रदेश के अंदर चुनावों का समय है। नगर निकाय के इलेक्शन हमारे प्रारंभ हुए हैं और 1 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव की काउंटिंग भी होनी है, और साथ ही साथ 12 अफवाद का पर्व भी पड़ सकता है। हम अपनी फोर्स को चुनाव की निष्पक्ष तरीके से संपन्न करने और चुनाव आचार संहिता का पालन करवाने में लगाएं, या एक व्यक्ति के द्वारा तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने और अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थों के लिए की गई किसी कार्य में अनावश्यक रूप से जनता के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कानून व्यवस्था के सामने जो संकट खड़ा हो उसके लिए हम रोक लगाएं। प्रदेश के अंदर चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके, दूसरा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था व्यवस्थित रूप से बनी रहे, इसलिए हमें जो उचित लगा है प्रदेश सरकार ने इस बारे में लिखा है। चुनाव की बात कर रहे हैं आप एक शहर के चुनाव को जो कहा जाता है कि लोकल बड़ी चुनाव होता है, इसको इतना बड़ा बना दिया, आप लगातार कंपेन कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, इतनी सारी रैलियां कर रहे हैं, आप तो नहीं लगता कि चुनाव बहुत बड़ा कर दिया आपने? बाकी पार्टियां तो कंपेन में नहीं आ रही हैं। बाकी पार्टियां चुनाव के बाहर पहले से हैं। नगरीय क्षेत्र 652 हमारी स्थानीय निकाय की इकाइयां हैं और विकास का जो पैसा जाता है यहीं पर जाता है, स्वच्छ भारत मिशन का हो या फिर विकास की योजना, जनता को बुनियादी सुविधाओं का। 4.5 करोड़ की आबादी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा से आवश्यक है कि वहाँ पे अच्छा बोर्ड गठित हो, अच्छे लोग चुने जाएं, सरकार उसमें जो मदद कर रही है उस पैसे का सदुपयोग हो सके।
तो इस दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनमें मैं जा रहा हूँ। बात करके धन्यवाद हमसे। तो ये थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका जिन्होंने एक न्यूजिशन से स्टेट से कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने साफ कहा कि फिल्म पद्मावती को लेकर जिस विवाद उठाया, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, इलेक्शन है नगर निकाय का, इसी को लेकर उन्होंने बाकायदा पत्र जो है वो केंद्र सरकार को लिखा है।